अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू गाइस। उम्मीद है आप लोग सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे मेरी तरह। मैंने सोचा आज बैठे बैठे बैठी हुई थी, मैंने सोचा कि यार आज मैं इतनी खुश क्यों। अच्छा चलो, मैंने कहा चलो अगर मैं खुश हो ही गई हूँ रामीन, तो इसमें सवाल करने की क्या ज़रूरत है, अपने आप से हो गई हूँ ना, तो इस खुशी का हम फ़ायदा उठाते हैं और हम ये करते हैं कि हम लोग व्लॉग बनाते हैं। कि मतलब बड़े वाला व्लॉगर भी बनना है, ख्वाब भी है बड़े वाला व्लॉगर बनने का। मुझे लगता है ख्वाब ही रह जाना है कि जब दिल किया मुँह उठा के वीडियो बनाने आ गए। यार मतलब इसके लिए ना रोज़ व्लॉग्स बनाने पड़ते हैं, रोज़ मतलब वो होना पड़ता है ना, हम क्या कहते हैं, रेगुलर। हाँ रेगुलर होना पड़ता है, वो हमने होना नहीं और फिर हम बन गए बड़े वाले व्लॉगर। खैर बहुत हो गया, बहुत हो गया, ठीक है अब हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं। बात ये है कि सर्दियाँ आ चुकी हैं, जैसे कि सर्दियाँ तो आ चुकी हैं, अब आ चुकी हैं तो क्या कर सकते हैं, आ चुकी हैं। अच्छा जी, सर्दियों में क्या होता है कि ना, सर्दियों में हर किसी का ना एक अपना दिल होता है, कुछ खाने का, कुछ पीने का, मतलब हर किसी का ना एक फेवरेट चीज़ होती है। किसी को सूप पसंद होता है, किसी को कॉफ़ी पसंद होती है, किसी को नूडल्स, किसी को प्रॉन्स, किसी को चाउमिन, मतलब हर किसी की ना कोई, हर सीज़न की ना कोई फेवरेट डिश होती है। पता नहीं अब सबकी होती है या नहीं होती है, लेकिन प्रॉबेबली ज़्यादातर लोगों की होती है और मेरी तो है। जैसे कि मेरी सर्दियों की फेवरेट जो चीज़ है ना, मेरा, मुझे सर्दियों में ना सुबह दोपहर शाम रोज़ चाहे सूप पिला दो, चाहे नूडल्स खिला दो, चाहे प्रॉन्स खिला दो, मतलब मेरे ये मुझे ना इंतहा के पसंद है, जो इंतहा होती है ना मुझे वो पसंद है। खैर मैं आज गई वॉक पे, तो मेरे मतलब हमारे घर से ना अलफतेह वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो ना मैंने देखा कि क्यों ना अलफतेह जाएँ कुछ लें और मैं फिर व्लॉग बनाऊं। खैर मैं अलफतेह गई तो ना मैं देख रही थी कि कोई नई चीज़ आई हो, कुछ न्यू आया हो कि मैं उस पर रिव्यू दूं, कोई नई चीज़ आप लोगों को, कोई नई चीज़ हो जिस पे मैं रिव्यू दूं, आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को पसंद है तो आप लोग भी उसे लें अगर आप लोगों को वो अच्छी लगे। खैर मैं अलफतेह के अंदर गई और मैंने देखा, मैं देखती गई देखती गई, कुछ समझ ना आए। फिर मुझे एक चीज़ नज़र आई, आई वॉज शॉक्ड ऑन दैट टाइम। मुझे दो ऐसी चीज़ें मिली, अभी तो मैं एक पे वीडियो बना रही हूँ, दूसरी चीज़ मैं दूसरी वीडियो में बताऊँगी। बट आई सॉ अ थिंग कि मुझे यकीन आया, ऐसा मतलब हो तो सकता है, इतनी भी कोई वो चीज़ नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादा ही थोड़ी ड्रामेबाज हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है इतनी भी शॉकिंग। लेकिन ना मुझे हुआ कि यार ये कैसा होगा, मतलब चलो ये हो तो गया है लेकिन ये खाने में कैसा होगा। तो मैंने देखा कि वहाँ पर ना एक बॉक्स पड़ा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था सूप, ठीक है। मैं उसके पास गई तो उस पर ना नूडल्स भी बने हुए थे। मैंने दिल में सोचा कि कितना मज़े का होगा ना कि इसमें सूप भी है और नूडल्स भी हैं, मतलब एक चीज़ में दो चीज़ें हमें मिल रही हैं, मतलब एक डिश में हमें दो चीज़ों का टेस्ट आएगा, तो ऐसे कैसे हो सकता है ना, कितने मज़े का होगा। हो तो सकता है, मतलब हो तो गया, हो गया तो हुआ ना, मतलब हो गया तो वहाँ पर आया ना, तो ये तो हो गया, लेकिन ये खाने में कैसा होगा। तो मैंने कहा अच्छा मैं लेती हूँ और ना फिर घर जाके इसे ट्राई करूँगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी ये कैसा है और खा के बताऊँगी, ताकि अगर इसका फ्लेवर अच्छा है और समवन इज़ अ सूप लवर और अ नूडल लवर लाइक मी इन विंटर सीजन, सो दे कैन ट्राई इट, अगर ये अच्छा हुआ, अगर मैंने आप लोगों को कहा ना ये अच्छा है फिर ट्राई करना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, वरना पैसे तो मेरे ज़ाया होने तो जो हो गए, अभी नहीं पता हुए हैं या नहीं हुए, अच्छा भी हो सकता है, ठीक है ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा मैं दिखाती हूँ एक मिनट, ये देखें, ये देखें, ठीक है, लाइक इट इज़ लाइक दिस, और ये क्या है, यमी सूप, और इसका जो फ्लेवर है वो है स्पाइसी बीफ फ्लेवर नूडल, ठीक है, आ रहे हैं ना आप लोगों को नज़र आ ही रहा होगा यार, ठीक है आ रहे, और कितना जूम करके दिया हूँ, बस ठीक है, कितना ठीक होता है। अब मैं जाती हूँ अपने किचन में और इसको बना के लेकर आती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ, तो आप लोग इंतज़ार करें, मतलब आप लोगों को क्या इंतज़ार करना पड़ना है, आप लोगों ने तो अगले सेकंड में मेरी अभी खाते हुए वीडियो देख लेनी है। असल में मेहनत तो मेरी हो रही है ना, मतलब जानना मैंने, चूल्हा मैंने जलाना है, सॉस पैन मैंने लेना है, उसमें पानी भी मैंने ही डालना है, ठीक है, कोई नहीं है मेरी मदद करने वाला, मैंने ही सब कुछ करना है, और उसके बाद उसको चूल्हे भी मैंने रखना, उसके बाद मैं खड़ी होकर देख रही हूँगी बॉयल कब होगा, सर्दियाँ आ गई हैं गैस ने भी नहीं आना, पहले मैं उसे देखती रहूँ उसने बॉयल कब होने, उसके बाद मैं उसमें नूडल्स डालूँ, ये डालूँ, फिर लेकर आऊँ, फिर आप लोगों को खा कर दिखाऊँ, मतलब जितना मैं बोल रही हूँ मैं जा क्यों नहीं रही, मैं ना जाकर आती हूँ और फिर लेकर आती हूँ, ठीक है वेट। हाँ जी, तो मैं आ गई हूँ नूडल्स बना के वापस, लिटिल इट लुक सो यमी, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। अच्छा जी, वैसे तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि ये देखने में कितना मजे का लग रहा है, लेकिन अब मैं आप लोगों को इसको खाकर भी दिखाऊंगी कि ये क्या सिर्फ देखने में मजे का लग रहा है या खाने में भी मजे का है। चले मैं आपको खाकर दिखाती हूँ, अभी बड़ी देर बाद नूडल्स खा रही हूँ, मैंने बड़े अरसे से नूडल्स नहीं खाए थे, धुएं देख रहे हैं कैसे इधर उधर जा रहे हैं।
मुझे वैसे ना देखने में नहीं लगा था कि इतना मजे का होगा। बहुत मजे के हैं। अच्छा लास्ट टाइम जब मैंने ब्लाजीन की वीडियो बनाई थी ना नूडल्स की, उसका ये था कि वो ना उसमें उसका टेस्ट नहीं था, उसमें ना सिर्फ मिर्चें थी। मतलब कोई टेस्ट भी तो हो ना एक चीज का। इसका ना टेस्ट है, बहुत मजे का टेस्ट है, मतलब बहुत ज्यादा मजे। मैं इसका सूप ट्राई करके आप लोगों को बताती हूँ। बहुत मजे का मेरी जिंदगी में आज तक मुझे लग रहा है ये खाके कि ये नूडल्स सबसे ज्यादा मजे के, मतलब बहुत ज्यादा मजे के, मुझे बहुत पसंद आया। मुझे लग रहा है कि ये आप लोगों को भी बहुत ज्यादा पसंद आएगा, आप लोग जरूर इसे ट्राई करें, बहुत मजे के। मतलब इसे हर एज के लोग खा सकते हैं, कोई मिर्चों वाला भी नहीं है कि कोई एजेड लोग ना खा सकते हैं या बच्चे ना खा सकें। बहुत मजे का है, बहुत नॉर्मल स्पाइस है, मिर्चें हैं लेकिन मजे वाली, मतलब इतनी कोई ज्यादा नहीं जैसे वो ब्लाजीन या रेमिन में। अच्छा मैं इसकी कॉस्ट बता दूं कि ये कितने का, ये मैंने लिया था 360 रुपीज का मेरे ख्याल से। हाँ 360 का था मेरे ख्याल से। हाँ कॉस्टली है थोड़ा आम नूडल्स से ज्यादा, लेकिन बहुत मजे का है। मैं मुझे बहुत मजे का लगा ये, इट इज सो अमेजिंग, आई कांट टेल यू, आई एम गिविंग इट 10 out of 10। मतलब बहुत कमाल के, बहुत ज्यादा कमाल के। अगर आप लोग चाहते हैं, आप लोग मतलब एज आई टोल्ड यू दैट इफ यू आर अ सूप लवर और अ नूडल लवर, यू मस्ट ट्राई। मतलब बहुत एंड लेवल है, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज्यादा मजे का है। और जरूर इसे खाएं पिएं और इंजॉय करें, मतलब आपकी सर्दियां ना कमाल की होने वाली है अगर आप लोग ये ट्राई करेंगे। अलफतेह से मिलेगा ये, बहुत मजे का है और इसकी कॉस्ट 360 एज आई टोल्ड यू। और फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। So meet you soon with my new video. Bye bye.